Hey guys, my name is Naman and welcome back to our channel. तो guys, ये है पांच ऐसे cool gadgets जो सच में बहुत ज्यादा useful है और इसको मैंने 1000 रुपए में Amazon से order किए हैं. देखते रहना, बहुत ज्यादा useful है. तो भाई सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में प्रोडक्ट है वो है भाई ये 300 रुपए की एप्पल पेंसिल की तरह दिखने वाली एक पेंसिल. ये जो पेंसिल है ना, आईपैड हो, मोबाइल फोन हो, कोई भी एंड्रॉइड टैब हो या फिर विंडोज टच स्क्रीन क्यों ना हो, सब में बहुत स्मूथली काम करती है. और भाई इस पेंसिल को एप्पल पेंसिल की तरह चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, ये बिना चार्ज के काम करती है. इसके थ्रू मैं अपना पूरा स्मार्टफोन चला सकता हूं कुछ इस तरीके से. हालांकि इस पेंसिल को मैंने अपनी एप्पल पेंसिल के साथ भी कंपेयर किया था, फॉर श्योर आपको उतनी स्मूथनेस नहीं मिलेगी जितनी एप्पल की पेंसिल देती है, बट 300 रुपए में और क्या चाहिए भाई, बहुत अच्छे से काम कर. और इस पेंसिल के अंदर आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी मिल जाती है, अगर एक टिप खराब जाती है तो आप जो है घर बैठे ही चेंज कर सकते हो. अब आपके पास कोई एंड्रॉइड टैबलेट है, विंडोज का जो कोई टच स्क्रीन वाला जो है लैपटॉप है, आपको एप्पल पेंसिल या कोई महंगी पेंसिल लेने की जरूरत नहीं है. आप ये 300 रुपए की जो है एप्पल पेंसिल लोकल लाइक से काम चला सकते हो, ड्रॉइंग वगैरह तो इससे आराम से हो जाती है. सबसे बेस्ट पार्ट, जो मोबाइल फोन चल रहा है ना वो बहुत स्मूथली चल रहा है. अब इस पेंसिल के बाद जो सेकंड हमारा गैजेट है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया वो है भाई ये मल्टी कनेक्टर. इस डिस्क शेप के अंदर खोलते ही आपको जो है ना बहुत सारी चीजें एक ही जो है प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगी. यानी कि आप देख लो इसका साइज वगैरह काफी छोटा सा है, अपने पोर्टेबल बैग वगैरह में आप कहीं पे भी डाल सकते हो, भले आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तब भी इसको यूज कर सकते हो. अब इसको खोलते से आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जो है पूरे के पूरे कनेक्टर मिल जाते हैं. अब वो भले माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी हो, टाइप सी टू टाइप सी हो, लाइटनिंग टू टाइप सी हो, नॉर्मल यूएसबी टू टाइप सी हो, आपको सारे के सारे कनेक्टर इसमें देखने को मिल जाएंगे. तो मान लो आपके पास बहुत सारे गैजेट है जो अलग अलग कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं और आप कहीं दूर जो है ट्रैवल कर रहे हो, पास भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आप जो है इसको अपने बैग में ले सकते हो आराम से. एक ही जो है डिस्क आपके सारे गैजेट को चार्ज कर देगी. हाँ, चार्जिंग बता रहा हूं भाई, ये जो है 60 वॉट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. तो जो बड़े बड़े चार्जर होते हैं ना जो बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ में आते हैं, उसको भी जो है आराम से सपोर्ट कर जाएगा. इसके अलावा इसमें आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी जो है रखने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिम भी जो है इसके अंदर रख सकते हो. इवन एक इसमें डेडिकेटेड केबल भी मिल जाती है ब्लैक कलर की जो कि टाइप सी टू टाइप सी है, तो भाई आपको केबल ले जाने की भी जरूरत नहीं है. और जो ट्रेवलर्स होते हैं जो माइक्रो एसडी कार्ड रखते हैं ना, उसके लिए भी यहाँ पे डेडिकेटेड जगह दी गई. तो आपके सारे कनेक्टर का जो है ना एकमात्र सॉल्यूशन ये डिस्क है. और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूं ना, तो ये 600-700 रुपीस की जो है प्राइस रेंज में मिल जाता है आपको, जो नीचे व्यू ऑल प्रोडक्ट का सेक्शन मिल रहा है वहां पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा. अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी काफी यूजफुल है और आपके घर की बिजली का बिल जरूर बचा देगा. तो ये है एक सोलर मोशन सेंसर लाइट. तो ये सिंपल दिखने वाली जो है लाइट है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. इसको आपको जो है अपने घर के बाहर जो है लगा देना है, और रात को जब भी आप इसके सामने से निकलोगे या इससे थोड़ी बहुत आवाज वगैरह भी आ जाती है ना, तो इसकी लाइट अपने आप जो है टर्न ऑन हो जाती है. क्योंकि इसमें आगे की तरफ जो है आपको सेंसर देखने को मिल जाता है. बट द बेस्ट पार्ट है कि इसमें जो है आपको कोई भी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वाले पार्ट में जो है आपको पूरा सोलर पैनल जो है देखने को मिलता है. तो आपको बाहर एक ऐसी जगह लगाना है जहां पे कंटिन्यू इस पे जो है सनलाइट गिरती रहे. जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है सनलाइट से, तो करीब करीब 6-7 घंटे तक की जो है बैटरी बैकअप दे देता है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी बैटरी बैकअप है. इसके अगर मैं एलईडी लाइट की बात करूं तो मोर देन 40 एलईडी लाइट जो इसमें आपको मिल जाती है, जो काफी ज्यादा ब्राइट लाइट है. यानी कि अगर पूरा अंधेरा होगा ना तो अच्छे खासे तरीके से जो है पूरा सब कुछ दिख जाएगा. इस टाइप की लाइट की वजह से आपका बिजली का बिल तो बचता ही है, लेकिन भाई काफी स्मार्ट भी है. आपको बार बार जो है ऑन करने की जरूरत नहीं है, और जैसे ही एक बार ये ऑन हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद जो है ऑफ भी हो जाती है. अगर आप मान लो बहुत देर तक खड़े हो उसी जगह पे, तो ये जो है टर्न ऑफ नहीं होगी उस टाइम पे. जैसे ही आप चले जाओगे, थोड़ा सा माहौल शांत सा हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है टर्न ऑफ हो जाती है. तो ये भी एक गैजेट मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगा है, तो इसकी भी लिंक जो है आपको व्यू ऑल प्रोडक्ट में मिल जाएगी. अब फोर्थ गैजेट पे बढ़ते हैं. तो आपको ये एक नॉर्मल दिखने वाला लॉक दिख रहा होगा, बट ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम अपने चैनल पे कोई नॉर्मल चीज करते नहीं है. इसको अगर आप उल्टा लगा देते हो तो इसमें से एक बीप आवाज आ जाएगी जो कि इस तरीके से साउंड करेगा, और ये बहुत स्मार्ट है, बताता हूं कैसे. अब ये जो लॉक है ये 500 रुपीज में आपको मिल जाता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है. जो ट्रेडिशनल लॉक आते हैं वैसी बिल्ड क्वालिटी आपको सॉलिड सी मिल जाती है. अब इसमें जो एक तरीके से ये गैजेट क्यूब मैं बोलता हूं, क्योंकि इसमें एक सायरन लगा हुआ है, और ये ऊपर का तरफ का जो लॉक है इसको अगर आप उल्टा घुमा के जो है लगा देते हो, और मान लो इस लॉक को कोई खोलने की कोशिश करता है, तो इसका जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा, और इसमें से बहुत तेज आवाज आने लगती है बीप बीप की. जिसकी वजह से आपके आस पड़ोस वाले जो है एक तरीके से एक्टिवेट हो तो जाएंगे, अगर नहीं हो रहे तो फिर पड़ोसी किस काम के. बट हाँ, ऐसा है कि भाई इसके कारण जो है चोर जरूर जो है भाग जाएगा. इस ताले को जो है आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, जो ऊपर का लॉक है उसको आपको राइट साइड घुमा के जो है लगा देना है. तो अगर आप नहीं चाहते हो कि बीप साउंड नहीं आए, तो वैसे भी आप यूज कर सकते हो. वैसे इसको जो है मैं पर्सनली काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, काफी यूजफुल मुझे जो है गैजेट लगा है. इसमें जो कीज वगैरह मिलती है आपको एक्स्ट्रा 3-4 जो है मिल जाती है, तो आप घर के अलग अलग लोगों को भी दे सकते हो. इंटरेस्ट मी गाइस, इसका जो साउंड है ना वो बहुत ज्यादा तेज
साइज है, बहुत ज्यादा ही जो है एक तरीके से लाउड मैं मानता हूं। इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा बैटरीज भी मिल जाती है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो है चलेगा तो खत्म, नहीं, इसकी बैटरी को रिप्लेस आप आराम से कर सकते हो। तो भाई ये लॉक भी जो है मुझे बहुत ही यूजफुल गैजेट जो है लगा था, तो उसको जो है रिकमेंड मैं हाईली करता हूं अगर आप अपने घर को एक्स्ट्रा सिक्योर बनाना चाहते हो। अब जो भाई अगला गैजेट होने वाला है वो एक तरीके से लाइफ सेविंग गैजेट होने वाला है, जो कि है ये नैप जैपर। इसका जो प्राइस है वो 300 रुपीज है। अब इसका क्या काम है मैं बताता हूं। भाई इंडिया में जो है ना 40% एक्सीडेंट जितने भी होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि ड्राइवर की नींद लग जाती है, थोड़ा सा नैप आ जाता है या गर्दन नीचे हो जाती है, उसकी वजह से जो है आप रोड पे जो है एक तरीके से मिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी और एक्सीडेंट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो भाई उस चीज को जो है ये ट्रैक कर सकता है। अगर काफी ज्यादा आप ट्रेवल करते हो स्पेशली रात के टाइम पे, तो आपको जो है इस गैजेट को परचेस कर लेना चाहिए, 300 रुपए का ही है। अब ये काम कैसे करता है, तो गाइस इसके पीछे आपको जो है ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, आपको इस डिवाइस को ऑन करना है, उसके बाद इसको जो है अपने ईयर में कुछ इस तरीके से जो है लगा देना है। अब इसको लगा दोगे, इसमें भी एक सेंसर दिया हुआ है, मान लो आप गाड़ी वगैरह जो है ड्राइव कर रहे हो और आपकी गर्दन थोड़ी सी भी नीचे होती है तो इसमें से बहुत तेज साउंड आने लगता है और ये जो है डिवाइस है वो थोड़ा सा वाइब्रेट भी होने लगता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर की नींद लग रही है या फिर नैप आ रही है वो काफी जल्दी जो एक्टिवेट हो जाएगा या उसकी नींद खुल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के काफी ज्यादा जो है कम चांसेस बन जाते हैं। तो ये जो छोटा सा प्रोडक्ट है मुझे काफी ज्यादा लाइफ सेविंग लगा है। उस प्रोडक्ट को आप जो अपनी कार में जो है रख सकते हो, जब आपको यूज करना है, आपको फील हो रहा है कि यार नींद आ सकती है, चांसेस हैं, तो आप जो इसको जो है यूज कर सकते हो। वैसे तो अगर नींद आ रही है तो गाड़ी चलाओ मत, मैं तो यही करता हूं कि गाड़ी साइड में करके जो है बढ़िया सी जो है 10-15 मिनट की नींद ले लेता हूं। बट हां, अगर आपको चलाना है क्योंकि नींद का भरोसा नहीं कब आ जाए, तो आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो भाई ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं मुझे पर्सनली काफी ज्यादा यूजफुल लगे हैं और इस सीरीज को हम आगे भी हमारे चैनल पे जो है बढ़ाने वाले हैं। जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट होंगे वही मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी उठा के लेके नहीं आने वाला हूं और बजट में जो है बताने वाला हूं। और इनको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो व्यू ऑल प्रोडक्ट का सेक्शन जो है आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है आप परचेस कर सकते हैं। हालांकि मैंने वहां पे और भी प्रोडक्ट जो है ऐड कर रखे हैं जो आपके काम आ जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये गैजेट वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और अलग अलग टाइप के जो है प्रोडक्ट कवर करूं, तो उन गैजेट के बारे में आप कमेंट में बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उनको परचेस करने को। अगर यूजफुल होंगे तो वीडियो में कवर जरूर करूंगा। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।